हेलो एवरीवन दिस इज शालिनी आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी तरीके के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन जिनको करने पड़ते हैं किसी भी एग्जाम में या जो टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सी डी पी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे मेनली जो इस वीडियो में हमने लिया है वो है सी टेट टू दिसंबर का जो पेपर है उसका पेपर टू का पार्ट वन जो है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र उसको लिया है आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो स्टार्ट करते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नूर फॉगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आज तान्या टू शेयर हर टिफिन सेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर माई टिफिन विद यू योर स्टडी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी

यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो ये कथन जो ये सेंटेंस कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना टिफिन शेयर किया था आज आपको अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही रहेगा आपको ये बताना है यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्टेजेस बताई थी उसका यहाँ पर दे रखा है कि उनमें से कौन सी स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कौन सा आंसर सही है और उसका भी कौन सा जो रिप्रेजेंट स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है जल्दी से आंसर दीजिए फर्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल सेकेंड ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल थर्ड बींग नाइस कन्वेंशनल फोर्थ एक्सचेंज कन्वेंशनल फर्स्ट है कानून एवं व्यवस्था फर्स्ट परंपरागत सेकेंड पा, पालन पूर्व परंपरागत थर्ड अच्छा होना परंपरागत फोर्थ आदान प्रदान परंपरागत जल्दी से इसका आंसर बताइए यस yes, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सचेंज कन्वेंशनल आदान प्रदान या परंपरागत पहली चीज तो ये समझिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स दिए थे जिसको हमने अपना जब सीटेट पार्ट वन का जो वीडियो बनाया था पेपर वन उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है वहां से जाके देख सकते हैं तो उन्होंने मेन चार कन्वेंशनल तीन स्टेजेस बताई थी प्री कन्वेंशनल स्टेज कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज उसमें भी उन तीनों स्टेजेस में उन्होंने अलग अलग दो दो टर्म्स बताए थे कि कब बच्चा कि किस स्टेज में होता है कब लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में होता है कब वो ओबीडियंस वाली चीज में होता है कब वो अवॉइडेंस वाले स्टेज में होता है तो वो पूरा हमने उसमें एक्सप्लेन किया था अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में वो कह रही है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए ठीक है और वो टिफिन का क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं इसलिए इनमें से जो चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा आदान प्रदान करना और वो किस में आता है हमारा कन्वेंशनल या परंपरागत स्टेज में इसलिए इसका ऑप्शन फोर सही आंसर है अगर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड पूरा एक वीडियो चाहिए उनका थ्योरी क्या था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं देन हम आपके लिए वो पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे क्वेश्चन नंबर टू वाइडली हेल्ड बिलीव अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रिफर टू एज समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं फर्स्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर विवेदिकरण सेकेंड जेंडर रोल्स जेंडर भूमिकाएं थर्ड जेंडर आइडेंटिटी जेंडर पहचान फोर्थ जेंडर स्टेरोटाइप्स जेंडर रूढ़िवादिताएं इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा जल्दी बताइए इसका यस yes, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जेंडर स्टेरोटाइप्स या जेंडर रूढ़िवादिताएं देखिए फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी लड़का है या लड़की है वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उनके बारे में जो अवधारणाएँ समाज के समाज में जो फैली हुई हैं या विशेषताएँ है के बारे में जो भी चीज़ें समाज में फैली हुई हैं वो क्या हैं तो वो हमारी आती हैं जेंडर स्टोर या जेंडर रूढ़ीवादिताओं के अंतर्गत आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री Recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventurous activities. This move is important because हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बाइस ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर टाइपिंग यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है थर्ड इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है फोर्थ इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है इसमें से जल्दी से आंसर बताइए कौन सा है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुक्स में कहानियां जो आ रही हैं पहले ऐसा होता था नॉर्मली कि जो मेल होता था या जो फादर होते थे वो बाहर के काम या एडवेंचरस एक्टिविटीज करते थे पर लेडीज को घर के काम करते हुए कहानियों में दिखाया जाता था तो एन की पहल के कारण ये किया गया है कि जो रोल्स हैं वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं जैसा सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो अभी जो मदर्स को दिखाते हैं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हुए दिखाते हैं या जो कहानी होती है उसमें ऐसा कुछ दे रखा होता है और फादर जो है वो हाउस होल्ड वर्क को देखते हैं तो ये चीज जो है वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है इसमें से दिस मूव इज इंपोर्टेंट बिकॉज किस चीज के लिए ये मूव इंपॉर्टेंट है जल्दी आंसर दीजिए यस द करेंट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेटाइपिंग यह जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म या समाप्त करता है देखिए अभी जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा जो रूढ़िवादिताएं है होती हैं जो भी जेंडर स्टरेटाइप होते हैं वो हमें ख़त्म करने हैं सोसाइटी से तो वो कैसे ख़त्म होंगे जब हम बालक के मन में शुरू से ही बचपन से ही ऐसी चीज़ें बता देंगे कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ नहीं होती कि ये काम इसके लिए है ये काम इसके लिए है उसके बाद में हम उन्हें डेली बेसिस पे चीज़ें समझाते रहेंगे तब जाके वो चीज़ें समझ में आएंगी और बच्चे के मन में भरेंगी और समाज में से ये चीजें एलिमिनेट होती जाएंगी तो जेंडर स्टर जो होती है या जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना है उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू वाई गॉड्स की वेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड बायग्रकी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तार करता है तो इसे क्या कहते हैं फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण अधिगम जो सेकेंड जोन ऑफ प्रोक्सीमे डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र थर्ड इसके फोल्डिंग पाड़िया ढांचा फोर्थ इंटर सब्जेक्टिविटी या, या अंत व्यक्ति निष्ठता इसमें जल्दी बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री फोल्डिंग ढांचा देखिए जो वाइगो की सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक सर्कल होता है जो बच्चा उस सर्कल के आसपास की चीजें कर पाता है अगर बच्चा उस सर्कल का सेंटर है तो वो एक लिमिटेड चीजें कर पा रहा है अब उसका जब रेडियस अगर बढ़ा दिया जाए यानी कि उसको और लोगों के साथ में मिलाया जाए या कम्युनिकेशन उसका बढ़ाया जाए तो वो किसी और के सहयोग से कुछ काम कर पाता है तो उन्होंने जो बढ़ावा हुआ जो सर्कल था उसको जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट कहा था यहाँ पर क्या होता है लोग इस वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड भी दे सकते थे पर उन्होंने उस एरिया को जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट कहा कि वो जो ऐसा एरिया है या ऐसी कुछ चीजें हैं जो बच्चा किसी के सहयोग से कर सकता है पर वो जो सहयोग है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है वेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जब कोई एडल्ट हेल्प कर रहा है किसी चाइल्ड की जो करेंट लेवल है उसको बढ़ाने में तो वो चीज़ क्या है वो हमारी है स्के फोल्डिंग और वो जो लेवल है वो ही हमारा होता है जोन ऑफ प्रोक्सीम डेवलपमेंट जिसमें वो बच्चा किसी दूसरे के साथ रह के अपने काम को बढ़ाता है और नई नई चीजें सीख सकता है पर वो जो एक्टिविटी है जिसके द्वारा वो चीज़ें सीख रहा है या किसी बड़े का सहयोग मिलके जो काम कर रहा है वो है हमारा स्के फोल्डिंग आई होप आपको इतना समझ में आया होगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू जीन थ्योरी ऑफ कॉगरेटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ड्यूरिंग जीन के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी चालक अवस्था सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी बताइए यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो भी जीन प्याजे ने फोर स्टेजेस बताई थी उन चारो स्टेजेस का ये लास्ट पोर्शन होता है लास्ट पार्ट होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है जबकि जो सबसे पहली स्टेज इन्होंने बताई थी वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वाली स्टेज को इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका एज बड़ा होता है उसके उन्होंने बताया जो तो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है प्री ऑपरेशन स्टेज जब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी और ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं देन उन्हें उन्होंने बताया थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फोर्थ स्टेज को उन्होंने बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चे का हाइपोथेटिकोड जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या निगमनात्मक परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की जो स्टेज है वो शुरू हो जाती है आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन थिंकिंग डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है फर्स्ट लॉरेंस कोहलबर्ग जीन से थर्ड लेव वाइगोस्की फोर्थ अल्बर्ट बंडूरा विच वन इज करेक्ट जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर उन्होंने बताया यहाँ पर किस चीज पर ध्यान दिया गया है चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ फिर से इन्होंने सोशल प्रोसेस के बारे में बात कही है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो इनमें से किसने बोला था ये जल्दी बताइए ये सब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री लेव वाइगोट्स की लेव वाइगोट्स की नहीं हमें जो भी सोशल इंटरेक्शन की बात कही है कम्युनिकेशन की बात कही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कही है या स्केप होल्डिंग की बात कही है वो सारी हमारी लेवाइगोस्की ने कहा है कि हम या कोई बालक होता है वो समाज के साथ में जितना रहता है उतना उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट उससे रिलेटेड थ्योरी दिया था और जीन प्याजे ने जो थ्योरी दिया था उन्होंने फोर स्टेजेस बताई थी जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमने फाइव में देखा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन ऑपरेशनल स्टेज तो उन्होंने डेवलपमेंट की फोर स्टेजेस बताई थी एंड अल्बल बंडूरा ने अपनी अलग थ्योरी दिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ड्रॉइंग इंप्लीकेशन फ्रॉम पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड सिक्स टू एट इन हिज क्लासरूम शुड प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए फर्स्ट डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए सेकंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है थर्ड यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कांसेप्ट एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए फोर्थ रिलेवर्स केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी बताइए ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अन्सेप्ट एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए देखिए ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू प्रेजेंट प्रॉब्लम दट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो जैसा कि पियाजे की स्टेजेस जो उन्होंने बताई थी फोर डेवलपमेंट स्टेजेस उनके अकॉर्डिंग छः से आठ क्लास है उसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि लगभग चौदह पंद्रह साल के उस स्टेज तक बच्चों की जो एज है उसमें उनका सोचने की शक्ति रीजनिंग वाली जो शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है तो अगर टीचर इस क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने प्रेजेंट करेगा जिसमें रीजनिंग की ज़रूरत है या रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए तो उससे जो उनकी एबिलिटी है वो और निखर के अब सामने आएगी और उसका डेवलपमेंट होगा इसलिए ऐसा टीचर जो सिक्स टू एट्थ क्लास तक को पढ़ा रहा है उसे अपनी क्लास में हमेशा रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन जो रिक्वायर हैं जिन प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम्स उनको प्रेजेंट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के सामने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। एस पर द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं फर्स्ट सेंसिटिविटी टू द साउंड्स रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता सेकेंड एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता थर्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर ताल एवं पर गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता फोर्थ सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए देखिए आपको आंसर किस बेसिस पे ढूंढना है पर जो उन्होंने बताया है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा है जिसमें ऐसा या पर्सन है जिसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है ठीक है तो एक तो वो लॉजिकल एबिलिटी होगी उसमें और मैथमेटिकल एबिलिटी होगी ये दोनों एबिलिटी जिसमें होंगी उसकी बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपको इन चारों में से देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये दोनों एबिलिटीज आपको मिल रही है यस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर फोर पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वन टू थ्री वो हमारे म्यूजिक से रिलेटेड हैं अगर बच्चे में ऐसी एबिलिटी होती लॉजिक को म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता या फिर म्यूजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता तो वन टू थ्री में से कोई सा आंसर um, जो है वो करेक्ट हो सकता था पर यहाँ पर उन्होंने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कही है इसलिए ऑप्शन फोर शुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कौशलों मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है फर्स्ट सोशललाइजेशन समाजीकरण सेकंड इंक्लूजन समावेशन थर्ड मेनस्ट्रीमिंग मुख्य धारा से जुड़ना फोर्थ डिफरेंशिएशन विभेदीकरण इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जल्दी बताइए ऐसा प्रोसेस व्हाय विद चिल्ड्रन डेवलप हैबिट स्किल वैल्यूज

आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है फर्स्ट द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज हेरिडिटी व्यक्ति भिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है सेकेंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं थर्ड नीदर हैरिडिटी नॉर एन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं फोर्थ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है इस समाजीकरण से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं तो उसमें भी हमने आपको बताया कि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है वो बालक के पूरे व्यक्ति को दोनों ही साथ में मिलकर इन्फ्लुएंस करते हैं आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए सी से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट मेटा पर जाके लॉग इन कर सकते हैं और वहाँ से आपको फ्री जो एम हैं वो मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू एंडस डे